होना चाहिए एज पर ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद हमारा पाँचवा, उसके बाद हमारा पॉइंट है नौवा, कवर ब्लॉक। अब काफ़ी होता है कि जो कवर ब्लॉक है प्रॉपरली से होने चाहिए कि बॉटम में एंड साइड में, अगर आपकी जो हैवी बीम है रेनफोर्समेंट है तो वो बीम डाउन होने से पहले बॉटम में जो आपकी जो बीम के जो बॉटम में लगाया जाता है कवर ब्लॉक प्रॉपरली से वहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। साइड में है बीम डाउन होने के बाद तो आप आसानी से साइड में लगा सकते हैं कवर ब्लॉक, ठीक है। और काफ़ी होता है कि जो हैवी रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो डाउन होने के बाद वहाँ पे कवर ब्लॉक नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि वो रेनफोर्समेंट हैवी हो जाता है, वो उठ नहीं पाता है। उसके बाद हमारा दसवां पॉइंट है प्रॉपर रेनफोर्समेंट बाइंडिंग। प्रॉपर जो आपके जो बाइंडिंग है रेनफोर्समेंट या आपके जो बार आ रहे हैं आपके यहाँ पर तो प्रॉपरली से यहाँ पर बाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि आपके रिंग इस तरह टेपर हो गए या फिर आपके प्रॉपरली से रेनफोर्समेंट यहाँ पर आ गया या फिर डाउन हो गया है, तो प्रॉपरली से आपका बाइंड होना चाहिए। उसके बाद हमारा ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जो जोन है बीम का एज पर आईएस कोड कम होनी चाहिए और एज पर आपका ओवरलैप कम से कम 15 to D आपका ओवरलैपिंग रहना चाहिए और आपके जो बीम का जो जोन है आपके जो बीम का जोन है वो कितना रहना चाहिए, जैसे कि हमें कितना देते हैं तो वहाँ पर इसे चेक कर लेंगे, ठीक है, टॉप एंड बॉटम वाला तो वो जोन में आप चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा बारहवां पॉइंट है लेंथ और जोन। उसके बाद हमारा बारहवां पॉइंट है बैंड एंड डेवलपमेंट लेंथ। काफ़ी लोग मैंने देखा होता है कि जो बीम आपकी जो बीम रहती है इस तरह से आपकी जो बीम रहती है यहाँ पे कॉलम हो जाते हैं, जो ये बीम रहती है इस तरह से ये बैंड है ये प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा बीम डाल देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये आपका कम से कम बैंड होने चाहिए जितनी बीम की डेप्थ है या फिर जो डेवलपमेंट लेंथ है वो प्रॉपरली से इस तरह से हो जाएगा, तो एक कैप छोड़ दी जाती है तो ये बैंड हमारा इसके अंदर आ जाता है कॉलम के अंदर कैप में कास्टिंग के टाइम पर कर दिया जाता है कास्टिंग, ठीक है। तो ये बैंड ज़रूर होने चाहिए जंक्शन पर। उसके बाद हमारा तेरहवा पॉइंट है हुक, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जो बीम टू बीम कनेक्शन होता है या फिर बीम टू कॉलम होता है तो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, जो ये आपकी जो ये होता है ये वाली जो लेंथ होती है जैसे कॉलम होता है कॉलम से बीम के जाता है तो यह डेवलपमेंट लेंथ होती है। उसके बाद तेरहवा पॉइंट है हुक लेंथ ऑफ स्टिरअप, जबकि जो हुक की लेंथ है स्टिरअप की फॉर प्रॉपरली से 9 into D रहती है। 9 D का मतलब क्या होगा, 9 into dia ऑफ बार, जैसे कि 9 × 8 mm का है 9 × 72 तो 72 mm का कम से कम होना चाहिए या फिर 3 इंची कम से कम, ठीक है, या फिर 2 इंची कम से कम, तो एज पर लोड या फिर एज पर डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रफ स्पेसिंग इन जोन ए एंड बी, तो आपके स्ट्रफ जैसे कि आपके ये बीम है यहाँ पे कम से कम जो बीम है जोन ए या आपका जोन ए हो जाता है, ये जोन ए हो जाता है जोन ए, बाकी जो बचता है ये आपका जोन बी, तो बी कौन सा हुआ या फिर एंड जोन मिडल जोन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रहता है 2D, तो 2D क्या रहता है कि जितनी डेप्थ रहती है बीम की, जैसे कि हमारा 2 × 450 ये डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा ये 900, तो 900 की दूरी पे हमारा रिंग की स्पेसिंग है कम रहेगी और बाकी जो स्पेसिंग है ये यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे है 100 mm सेंटर टू सेंटर और यहाँ पर हो जाता है 150 सेंटर टू सेंटर, तो वो एज पर ड्राइंग, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रिंग्स की जो स्पेसिंग है 125 स्पेसिंग है सेंटर सेंटर और 175 सेंटर सेंटर, इसका मतलब क्या है एंड जोन में 125 है और मिडल जोन में 175 mm। उसके बाद जान लेते हैं हम 14 पॉइंट टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार नंबर्स ऑफ बार, ये भी चेक करेंगे टॉप एंड बॉटम में कितना एक्स्ट्रा बार दे रखा है। जैसे यहाँ पे प्लेन बीम की जो ड्राइंग है वहाँ पे एक्स्ट्रा एट बॉटम में दे रखा है, टॉप में तो यहाँ पे कोई नहीं दे रखा है लेकिन बॉटम में ही है एक बार है 12 mm का, ठीक है। तो इस तरह से आपको देगा गेमन रहेगा कि टॉप में एंड बॉटम में क्या एक्स्ट्रा बार लेना है और क्या डिस्टेंस आपको देना है, तो वो सब गेमन रहता है। तो वो टॉप में कम से कम आपकी L/4 रहता है और टॉप में L/3 कम से कम आपका L/3 रहता है और बॉटम में आपका लगभग L/4 तक आपका L/8 यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, L/8 पे ये छोड़ दिया जाता है और आपका L/3 टॉप पे कम से कम दे दिया जाता है। L/4 से L/3 कम से कम ये देना ही देना चाहिए एक्स्ट्रा टॉप में, ठीक है। और बॉटम में हमें क्या है, बॉटम में क्या जाएगा एक्स्ट्रा L/8। L/ क्या है, L है तो आपकी दूरी, जैसे कि हमारा यहाँ पर दूरी है 12 फीट और 12 फीट को 8 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा लगभग 1.5, मतलब आपका 1.5 फीट ये छोड़ देना है, 1.5 फीट ये छोड़ देना है तो बचता है हमारे पास हमारा 1.5 3 तो 9 फीट, मतलब लगभग 9 फीट का एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से प्रोवाइड करना है। और जैसे हमारा टॉप का हो जाता है, जैसे कि हमारे पास 12 फीट है, 12 को हम यहाँ से 4 से भाग कर रहे थे, 4 × 12 मतलब आपका ये 3 फीट यहाँ पर 3 फीट हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 फीट हमें टॉप में एक्स्ट्रा देना है ऐसे पेज से, तो 3 फीट प्लस आपकी जो बीम का चौड़ाई है कॉलम की प्लस L, तो वो हमारा लगभग अप्रोक्स आपका 3 × 2 5 × 2 7 लगभग 7 फीट के आसपास हो जाएगा।
उसके बाद हमारा बात करना है नंबर्स ऑफ कितने बार है एक्स्ट्रा के, प्लस कटिंग लेंथ क्या आ रही है, डाई ऑफ बार कितना दे रहे हैं, 16 mm का दे रहे हैं, 12 mm दे रहे हैं, नंबर्स ऑफ बार कितने दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें सभी चेक करना है। उसके बाद हमारा सोलो पॉइंट हो जाता है कल्टेन बार और या फिर वेंटन बार। काफ़ी होता है कि जो आपको बीम रहती है आपकी, जो जैसे बीम प्रोवाइड करते हैं हम, बीम में आपकी जो बीम रहती है, तो बीम में क्या होता है कि बेंटअप बार भी काफ़ी लोग इस तरह से प्रोवाइड कर दिया जाता है, और बेंटअप बार में वो साइड बेंटअप दिया जाता है, मतलब इस तरह से बेंटअप वो साइड बीम में। स्लैब में क्या आ जाता है, और स्लैब में जस्ट ओनली वन साइड, इस तरह से बेंटअप वन साइड अल्टीनेट, ठीक है, ये अल्टीनेट हो जाता है, मतलब एक बेंटअप टॉप में जाके इधर आ जाएगा और अगला बार जो आ जाएगा वो टॉप में चला जाएगा, इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्लैब एंड बीम, क्लियर हो गया। उसके बाद ये हमारा बेंटअप हो जाता है। कंटेनमेंट की बात करता हूँ, कंटेनमेंट होता है कट ऑफ बार, तो कट ऑफ बार का मतलब क्या हुआ, ये आपका टॉप में हो गया, ये आपका मेन बार हो जाता है, उसके बाद आपका ये एक्स्ट्रा बार हो जाता है, उसके बाद हमारा ये बॉटम एक्स्ट्रा हो जाता है, ये आपका बॉटम का मेन बार हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कल्टेंट मेन बार, ठीक है। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया हुआ ये कल्टेंट मेन बार, तो इसकी जो दूरी है यहाँ से हो जाएगी लगभग L/3 से L/4, और ये वाला जो डिस्टेंस है कितना छोड़ेंगे, कम से कम L/8, ये भी डिस्टेंस कितना छोड़ देंगे, L/8, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और ये बेंटअप की बात करता हूँ, तो बेंटअप कितना देते हैं, काफ़ी लोग बार बार कमेंट करते हैं कितना देते हैं कितना देते हैं, तो ये हमारा L हो जाता है, ये हमारा L/4 हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि ड्राइंग के अंदर जो गिवन रहता है IS कोड के अकॉर्डिंग, वो क्या रहता है, वो रहता है L/7। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि बेंटअप बार डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर जाता है, तो वहाँ पे आपको देना है L/7, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आपसे मतलब कि थम रूल के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, सेफ स्ट्रक्चर के लिए वो L/4 दिया जाता है, ठीक है, ये आपको किसी ड्राइंग के अंदर नहीं मिलेगा या फिर किसी उसके अंदर भी नहीं मिलेगा IS कोड के अकॉर्डिंग, जस्ट ये क्या सेफ रूल के अकॉर्डिंग दिया रहता है, यही प्रोवाइड किया जाता है L/4 और L/7 आपका IS कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा पॉइंट हो जाता है, ठीक है, आपका क्लियर हो गया, आपका कल्टेन मैन आपका टॉप बॉटम एक्स्ट्रा बार और बेंटअप बार आपका ना बीम के लिए और स्लैब के लिए हमारा क्लियर हो गया है कि स्लैब में हम अल्टीनेट देते हैं और वहीं पे हम बीम में बोथ साइड देते हैं। वहीं पे 17 पॉइंट है फ्री कोरेक्शन, मतलब आपका जो कोरेक्शन है वो जंक नहीं होना चाहिए रेनफोर्समेंट के अंदर। ग्रेड ऑफ स्टील आपको चेक कर लेना चाहिए कि ग्रेड ऑफ स्टील कौन सी है, जैसे कि आपका FE 500 है या फिर आपका 550 है या फिर 500D है या फिर 550D है, वो आप चेक कर लेंगे। ISI मार्क जरूर चेक करें कि ISMR भी दे रहता है, काफ़ी एनफोर्समेंट दिया भी नहीं रहता है। उसके बाद हमारा 10 पॉइंट है स्पेशल बार। स्पेशल बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे उसने दे दिया है एक्स्ट्रा एट बॉटम, एक्स्ट्रा एट बॉटम के मतलब आपका यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, ये वाला बॉटम में दे रहा है, टॉप में दे रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ये पिन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसर बार या फिर गुल्ला स्पेसर। तो इसके डिस्टेंस है कम से कम 1 मीटर होना ही होना चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट हो जाता है पिन या फिर उसको बोलते हैं गुल्ला, ठीक है। 9 पॉइंट है मास्टरिंग, तो मास्टरिंग किसको बोला जाता है, आपके जो बीम हो जाता है बीम, ये कॉलम का जो रेनफोर्समेंट टॉप में कंटिन्यू जा रहा है, तो ये जो स्पेसिंग है जैसे कॉलम है तो ये आपका रेनफोर्समेंट जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली से जो रेनफोर्समेंट है वो पोजीशन में रहे, वो इस वजह से इसको जो रिंग हम प्रोवाइड करते हैं ये आपका टॉप में ही प्रोवाइड कर दीजिए, यहाँ पे टॉप में ही प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि जो रेनफोर्समेंट है आपका जो स्टील जा रहा है वो अपनी पोजीशन में रहे और कॉलम लेआउट के टाइम पे वो आपका जैकल ना लगाना पड़े, जोगल, ठीक है। तो उसके क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा कंक्रीट में हमें क्या चेक करना है, कंक्रीट में हमें चेक करना है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी है, जैसे कि M15 है, M20 है, आपसे पूछ लेगा कौन सी ग्रेड है प्लेन बीम में, या फिर क्या रेशियो है, अगर आपका ग्रेड पता है तो रेशियो वही पता रहेगा, ग्रेड के अकॉर्डिंग रेशियो दे रहा है, जैसे कि हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, जैसे कि हमारा M25 रहता है, तो 1:1:2, तो 1:1:2 क्या है इसमें, 1 सीमेंट 1 सैंड और 2 एग्रीगेट गिट्टी, ठीक है, और ये वाटर भी ऐड होता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है टॉप ऑफ कॉलम फ्री फ्रॉम आल लूज मटेरियल्स, जबकि जो कॉलम होते हैं आपने देखा होगा कॉलम पे मिट्टी विट्टी डालते फिलिंग करते हैं, उसके बाद हम सेटरिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई लूज मटेरियल्स नहीं होनी चाहिए, तो आप चेक कर लेंगे तो उसको रिमूव कर दिए प्रॉपरली से। ऐसी ब्रिक वर्क होता है तो ब्रिक वर्क के ऊपर भी कोई लूज मटेरियल्स नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ मिक्सिंग, तो जो मिक्सिंग का मेथड है प्रॉपरली से कौन सा कर रहे हैं वो प्रॉपरली से होना चाहिए। हैंड मिक्सिंग करें तो प्रॉपरली से यूनिफॉर्म शेप में होना, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए कंक्रीट का।
या फिर आप मशीन से करें प्रॉपरली से मिक्सिंग होना चाहिए, यानी आपकी गिट्टी गिट्टी है वो अलग हो रही है और सैंड अलग होना चाहिए। इसका प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले आप सीमेंट और सैंड को मिक्स कीजिए, उसको मिक्स करने के बाद ही गिट्टी में मिक्स कीजिए। और मशीन के अंदर आप इसका प्रोसेस ये रहता है, सबसे पहले आप पानी डालिए, पानी के बाद सीमेंट डाल दीजिए, उसके बाद आपको गिट्टी डालना है, वो गिट्टी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। अगर आप सैंड डालोगे तो वो आपका चिपक जाएगा मशीन के अंदर, तो ठीक है। तो वो दोनों मैंने प्रोसेस आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है आपका पिन वाइब्रेटर यूज। हमेशा ये यूज जो पिन वाइब्रेटर होता है वहाँ पे कम से कम यूज करना चाहिए वाइब्रेटर का, हनीकॉम से बचने के लिए, प्रॉपरली से कंक्रीट का कंपेक्शन के लिए। पांचवा पॉइंट है आपका अंडरग्राउंड वाटर पाइप यूज फॉर सर्विस। अगर आपका जो प्लिंथ आपका जो प्लिंथ बीम रहती है, प्लिंथ बीम से नीचे आपका जो सर्विस सैनिटरी फिटिंग्स पाइप है वो तो प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर बीम की गहराई ज़्यादा है तो वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं मैनुअली 2 इंची या फिर 3 इंची, ठीक है। सर ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। अगर 4 इंची 6 इंची का जाता है तो वो प्लिन बीम से नीचे ही आपको प्रोवाइड करना चाहिए, प्लिन बीम के ऊपर। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है साइज ऑफ एग्रीगेट एंड फ्री, या फिर आपका जो डस्ट है वो प्रॉपरली से ये चेक करना चाहिए कि वो डस्ट फ्री डस्ट होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।